राजस्थान में एक और सेक्स सीडी कांड सामने आया है। सोशल मीडिया पर दो वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि इसमें दिख रहे शख्स बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन हैं। वीडियो में नेताजी एक महिला के साथ अश्लील हरकतें करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो महिलाओं की तरफ से ही बनाया गया है। नेताजी के कमरे में एंट्री से पहले ही एक महिला अलमारी में रैक में अपना मोबाइल कैमरा चालू कर देती है। शुक्रवार को अचानक दोनों ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। दरअसल मेवाराम जैन पर पहले से ही एक रेप केस चल रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो उसी कांड का है। इस वीडियो के कई स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कांग्रेस नेता के जो दो वीडियो सामने आए हैं, उनमें से पहला वीडियो 7 मिनट 11 सेकंड का है, जबकि दूसरा वीडियो 18 मिनट 45 सेकंड का है। बता दें, बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन राजस्थान की पिछली सरकार में मंत्री थे। उनकी गिनती बाड़मेर के बड़े कांग्रेसी नेता के रूप में होती है। बता दें, 20 दिसंबर 2023 की रात को जोधपुर के राजीव नगर थाने में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एफआईआर में कांग्रेस के पूर्व विधायक सहित 9 आरोपियों के नाम दर्ज हैं। पीड़िता ने राजीव गांधी नगर थाने में दर्ज एफआईआर में दो वीडियो का जिक्र किया था। लेकिन यहां बड़ा सवाल यही है कि पीड़िता के अनुसार दोनों वीडियो पेनड्राइव में है, और जब ये वीडियो पेनड्राइव में है और पेनड्राइव पुलिस को दिए गए हैं, तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कैसे हो गए? बता दें, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अक्टूबर 2023 में भी कांग्रेस नेता ने बाड़मेर के कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उनका कहना था कि सोशल मीडिया पर कुछ आपत्तिजनक फोटो और वीडियो कांग्रेस नेता की बताकर शेयर की जा रही हैं, वो एडिटेड हैं। ब्लैकमेल करने के लिए झूठे आरोप लगाते हुए बदनाम किया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने एफआईआर में आरोप लगाया था कि राजनीतिक दुर्भावना के मद्देनजर आपत्तिजनक फोटो वायरल की जा रही है। बता दें, 70 वर्षीय मेवाराम जैन बाड़मेर से लगातार 3 बार विधायक रहे हैं। हालांकि इस चुनाव में वो बीजेपी के बागी प्रियंका चौधरी से हार गए थे। मेवाराम जैन कांग्रेस की सरकार में मंत्री तक रहे थे।